हिसार में सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ लामबद्ध हुए व्यापारी हरियाणा व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास ने आज हिसार में की प्रेस वार्ता। बजरंग दास गर्ग ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा, व्यापारियों की दुकानें 6 बजे तक बंद हैं और शराब के ठेके रात 10 बजे तक खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसके बारे में वह ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार द्वारा व्यापारी को किया जा रहा है तंग। कोरोना सिर्फ दुकानदारों के पास शराब ठेकों पर नहीं है क्या? पुलिस कर रही है चालान, टारगेट फिक्स कर पुलिस चालान काट रही है। 24 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर इस बारे में ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर सरकार ने जो व्यापारियों की दुकानें बंद करने का समय 6 बजे तक का रखा है वो उचित नहीं है। जबकि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और शराब के ठेके 10 बजे तक खुलने के पूरे आदेश है। 10 का तो सरकारी आदेश है, सारी रात ठेकों पे दारू बिकती है। क्या ये ठेकों के ऊपर और रैलियों में कोरोना नहीं आता? कोरोना सिर्फ व्यापारी की दुकान के अंदर ही आता है। हमारी सरकार से मांग है वे तुरंत प्रभाव से जो 6 बजे दुकान बंद करने का जो समय रखा है उसे बढ़ाकर 8 बजे तक का किया जाए। इस बाबत पूरे प्रदेश के व्यापारियों से बातचीत हुई है और सोमवार से 24 तारीख से राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम जिला हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन दिए जाएंगे ताकि जो सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले पर पुनः विचार करके वापिस लिया जाए। जबकि कोरोना महामारी के अंदर व्यापारी पहले ही लुटा पड़ा है, व्यापार व उद्योग पूरी तरह से ठप पड़े हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, 2 लहर कोरोना की आ चुकी और लंबे समय से 2 साल से व्यापारी इसकी मार झेल रहा है, मंदी की मार झेल रहा है। कोरोना के समय का बंद दुकानों का, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, बैंकों के ब्याज तक व्यापारियों ने उद्योगपतियों ने भरे हैं।